का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और इस तीनों मंत्र के प्राप्त होने के बाद आप मोक्ष प्राप्त करोगे, जन्म मृत्यु के रोग से पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये तीनों मंत्र मिल गए और मर्यादा में रहे नहीं, उसी दिन आपका नाम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तीनों नाम प्राप्त करके भी ये मत समझ लेना कि बस मुझे तो तीनों नाम मिल गए, मेरा बेड़ा पार हो गया। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप इस योग्य हुए कि वो अनमोल रत्न आपको मिल गया जो अभी तक जिस पर बैन लगा हुआ था, और आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, कीमत नहीं समझी, तो फिर परमात्मा एक सेकंड लाओगा आपकी भक्ति नष्ट करते। आपने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना है। बच्चा जैसे खेल का मैदान है, ये भगवान की भक्ति एक समझ लो खेल का मैदान है, ये गेम है एक। और खेल में जैसे बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है उसमें भी मर्यादा में खेलना होगा, फिर स्टेट लेवल पर खेलता है उसमें मर्यादा में खेलना होगा, फिर अपने नेशनल स्तर पर खेलता है राष्ट्रीय स्तर पर उसमें भी मर्यादा में रहना पड़ेगा, और इंटरनेशनल स्तर पर खेलेगा तो भी मर्यादा में रहकर ही खेलेगा तो ही उसमें सफल होगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। परमात्मा स्वयं ही अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान, पाकी खेती देख कर गरबाइयो मत किसान, अब ही झोला अब ही झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। पाकी खेती देख के गर्व मत करना किसान, अभी तो बहुत झंझट है, ना जाने को ओले गिर जा, तूफान आ जा, आग लग जा, कहते घर आले तब शुक्र मनाना। तो पुण्यात्माओं, आपको वो अनमोल चीज मिल गई जो अभी तक बैन था, और इसलिए आप अत्यंत बहुत ही ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हो, बेसे कम अब दुखी हैं, ये दुख आपके लिए वरदान बनेगा। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय तेजा और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं अपनी उस अपनी अमृतवाणी के द्वारा के सुख के माथे शिला पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा आपको इतना इतना सुख नहीं देगा यदि आपने मोक्ष कराना है, इतना सुख नहीं देगा जिससे तुम दूर हो जाओ उस परमेश्वर से, वो दुख वो सुख आपका शत्रु बन जाएगा। इस पूरे कहानी का जो भूमिका दास ने बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जी जो पुराने भक्त हैं उनके लिए लागू है ये प्रवचन जो अभी तक चल रहा है, नए भक्त आए हैं उनको भी अभी बताएंगे कि आप जी ने परमात्मा की रजा में राजी रहना है। जैसे हम रोगी हैं, हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर से कहा जी मैं बीमार हूँ और मेरा ट्रीटमेंट करो, तो उसने समर्पण कर दिया। अब डॉक्टर का काम है वो के करेगा, वो पूरी जांच करेगा और फिर मेडिसिन शुरू करेगा, यदि गोली इंजेक्शनों से काम नहीं चलेगा तो वो ऑपरेशन भी करेगा। उसकी जीवन रक्षा के लिए उसने किसी अंग को भी काटना पड़ेगा तो वो काट देगा, तो वहां मरीज की नहीं चलेगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए। अब डॉक्टर कहे ये इंजेक्शन लाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं 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 मैं नहीं लुआऊं, मैं नहीं लुआऊं ना, मेरा मत लगाना,
तो फिर भाई जा अपने घर ने। डॉक्टर कहता भी ऐसा करना पड़ेगा, ये स्थिति इतनी भयंकर आ गई है, तो और रोगी को समर्पण करना पड़ेगा और यश करना पड़ेगा यदि जान बचाना चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम बहुत जन्म जन्मांतर के पाप कट्ठे किए फिर रहे हैं, और हम दो बातें हैं कि जैसे कोई पुण्यात्मा अभी आए हैं, आज ही उपदेश लिया है, और वो क्योंकि वो आते हैं कैसे आते हैं, ज्ञान सुनकर। जैसे हमारे भक्त जिन्होंने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष भी हो गए कईयों को, उनके जो सुख हुए, उनको जो लाभ हुआ, वो किसी ना किसी माध्यम से सुनकर वो यहाँ प्रेरित होते हैं, उत्साहित होकर आते हैं, उपदेश लेते हैं। उपदेश लेने के बाद फिर वो दिन गिनने लग जाते हैं कि मैंने आज 5 दिन हो गए नाम लिए न, देखता हूँ मुझे क्या लाभ होगा, 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर नू देखे कोई लाभ तो अभी हो नहीं रहा। पुण्यात्माओं, इसके विषय में प्रभु बताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे मूल को समय आवे फल हो, माली सिंचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। एक आम का पौधा, एक आम का बीज बो दिया, वह गुठली, उसमें सिंचाई प्रारंभ की, अंकुर होगा, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, अंकुर आएगा, अवश्य आएगा, महसूस होगा, फिर वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, सिंचाई जारी रखनी पड़ेगी, फिर वो बड़ा होगा, धीरे धीरे वो उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालने पड़ेंगे उस सिंचाई, जिसने वो आम खाने हैं, तो वो फिर 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 12 वर्ष में जाकर के वो पूरा पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना इतने फल, इतने फलों से लदबद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, परिवार भी छक लेगा, पड़ोसी भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों को भी दे दोगे, तो भी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ये सत भक्ति रूपी आम का ये पौधा, ये बीजा है, ये बीज बीजा है, कुछ दिनों में आप देखना, इसको जल्दी ना करना, समय देना परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, आप वहां से प्रेरित होकर आते हो, और कुछ दिनों को आप डिमांड कुछ लेकर आते हो और वो नहीं हो पाती है, आप ये मत समझना कि आपको राहत ना मिल रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द, आपकी टांग में पीड़ा है, और आप कहते हो जी मेरी टांग में पीड़ा है जांग के पास में, तो वो पीड़ा आपको जांग के पास जो पीड़ा होती है वो पेट के अंदर कोई भयंकर रोग है, और डॉक्टर आपकी जांग को नहीं देखेगा, वो पूरी टेस्ट करके देखेगा, उस रोग को ढूंढेगा। तो उसमें हम देखते हैं जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है किसी विशेष टांग टूंग पे, और अंदर कोई ऐसा जख्म हो गया है कि अंदर उसका ब्लड शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है, तो डॉक्टर उस टांग के दर्द ना देखे, वो तो उस जो अंदर से ब्लड लीक होकर अंदर ही जा रहा है उसको पहले ऑपरेशन करके उसने ठीक करेगा, और टांग वाले दर्द ने बाद में देखेगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं, हम जो डिमांड लेकर यहाँ आते हैं, और परमात्मा को ये पता है कि ये डिमांड तो इसकी पूरी होगी नहीं, इसकी तो मृत्यु 10 दिन में हो लेगी, तो वो पहले आपके उस अपने कोटे तक और साथ में आपके पुनों को जोड़ कर वो परमात्मा आपके जीवन को एक्सटेंड करेगा, वह डिमांड तो बाद में हो जाएगी, या जन्नत चलेगी, भक्ति भी गिर, वह डिमांड भी रह जाएगी। तो ये सत्कर्म मान लेना, हम बिल्कुल अबोध हैं, हम बिल्कुल अनजान हैं,
क्योंकि डॉक्टर की वाले ज्ञान को मरीज नहीं रख सकता। तो परमात्मा हमारा डॉक्टर है और ये दास उसका कंपाउंडर है। जो आदेश वो देता है आपको वही ट्रीटमेंट ये दास देता रहता है और आपको पूर्ण लाभ होगा, पूरा ट्रीटमेंट होगा। ये सत्कर्म मान लेना। आप जैसे नाम उपदेश ले लिया और कुछ दिनों के बाद साल एक वर्ष छह महीने हो जाते हैं, आप क्या कहते हो, जी मैंने पाठ भी करा दिया और फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। यही कमजोरी है हमारी कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं समझ पाते। अब जैसे सर्दी है, सर्दी बहुत ज्यादा है और आपको किसी ने सलाह दे दी भाई कंबल ओढ़ ले, आपने वह कंबल ओढ़ लिया और कंबल ओढ़ने के बाद भी सर्दी लग रही है। तो कई भक्त आते हैं, अनजान बहन भी आती हैं, बेटियां कहती हैं अनजानपने में कि उनको ज्ञान नहीं, भोलेपन में कहती हैं हम तो छह महीने हो गए नाम लिए ने हैं और दो बार जोत चढ़ा दी, को लाभ तो हो नहीं रहा हैं। तो कहने लगा, तो एक कहने लगी दूसरे, मेरा पति कह रहा था कि तू इस नाम ने छोड़ दे, कुछ लाभ तो हो नहीं रहा। पुण्यात्माओं यही कमजोरियां जो हमें ज्ञान नहीं, जो हमारे लिए दूनी हानिकारक हो जाती। अब आपने कंबल ओढ़ लिया और सर्दी अधिक है वो फिर भी आपको महसूस हो रही है, तो कंबल उतार दोगे तो नमूनिया होगा और मरोगे। कंबल ने कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अवश्य किया है और उसको उतार देगे तो फिर और काम बिगड़ गया करती है। तो कहने का भाव ये है, कंबल से भी काम नहीं चला, रजाई ओढ़, रजाई ग्रहण कर ताकि उस सर्दी से बचे। पुण्यात्माओं ऐसे ही हम जो साधना कर रहे हैं इसको त्यागने की बजाय इसमें और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ लगे, क्योंकि इस ज्ञान से आपको इतना अवश्य ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, कबीर साहब से अति अलग कोई भगवान नहीं, इससे सुप्रीम कोई भगवान नहीं, इससे इस साधना जैसा कोई और साधन नहीं, कोई और भक्ति मंत्र नहीं। इब जैसे सर्वविदित है कि स्वेटर पहन ली, जर्सी पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी नहीं गई तो जर्सी पहन ऊपर गए, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले। कहने का भाव यह है कि फिर भी सर्दी लग रही है, हाथ ठठर रहे हैं, पैरों में जुराब और जूते पहन रखे हैं, फिर भी उंगलियां ठंडी हो गई हैं, कान भी ठंडे हो रहे हैं, तो इससे सिद्ध है कि गर्मी सर्दी इतनी भयंकर है कि इतना जुगाड़ जोड़े पाछे भी हुआ फिर भी महसूस हो रही है। और ये सारे उतार रखे होते तो मर जाता, नमनिया होकर रात नहीं कटता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे कर्मों की सर्दी बहुत गनी है, बहुत ज़्यादा पाप कर्मों की, और वो इतना कुछ ट्रीटमेंट, इतना कुछ प्रोटेक्शन करने के बाद भी, इतना नाम लेकर के जाप भी करते हो, धर्म भी कर रहे हो, फिर भी महसूस हो रही है, होने दे, क्योंकि वो जान नहीं ले सकती। जैसे स्वेटर पहन ली, जर्सी पहन ली, टोपा पहन लिया, जूते जुराब पहन लिया, सर्दी फिर भी लग रही है, वह तो भयंकर सर्दी है ही, लेकिन वह जान नहीं ले सकती, आपको मार नहीं सकती, हानि नहीं कर सकती, बेशक महसूस हो रही है। तो इसी प्रकार आपने उपदेश ले लिया और धर्म दान भी कर रहे हो और फिर भी आपत्ति थोड़ी बहुत गुरकी घाल रही है, तो ये मत समझना कि वो तुझे हानि पहुंचा देगी, लेकिन वो पाप कर्मा की सर्दी, वो का पाप कर्म इतने जबरदस्त भयंकर है, जब ये इतना जुगाड़ ना जोड़ रखा होता थी तो पहले बिराना के नाश कर देता। तो कहने का भाव यह है कि परमेश्वर की शरण में और ये साधना करते हुए भी थोड़ी बहुत हानि आपको हो रही है, कोई महसूस हो रही है, तो इससे विचलित मत होना। एक भक्त कह रहा था, जी मैं नाम लेकर गया था, रस्ते में सामान चोरी हो गया, फिर मैं गिर गया, गिर कर टांग चोट लगी, फिर वो कई महीनों में आया, आठ नौ महीने में, क्योंकि मन है ना, यो काल है, यो सत भक्ति की तरफ चलने नहीं देता,
पहली बार उपदेश लेकर गए थे। तो कहने का भाव ये है कि फिर उथल पुथल मच जाती है, बताओ अकेला भोया नाम लेकर गया था और ये आनी होगी। कुछ दिन तो काल जो है उलट पुलट जकोड़े मारा है, इधर उधर के धक्के, नहीं जाता नहीं जाता, देखी जाएगी। लेकिन यू ज्ञान ऐसा है टिकन को न दे, कहीं ठिकाना नहीं दिखाई देता इस ज्ञान के समझ माने के बाद, क्योंकि यो भगवान कबीर परमात्मा, इसके इक्वलेंट कोई भगवान नहीं। और जो साधना दास बता इस पृथ्वी पर, इसके अतिरिक्त कोई और भक्ति मंत्र नहीं जो हमारा कल्याण कर दे। तो बुद्धिमान समाज है, अब हमें एक विशेष लाभ ये मिला है इस बिचली पीढ़ी, परमात्मा ने यो तत्व ज्ञान का जो है ना अब पर्दा इसलिए उठवाया है कि हम सभी शिक्षित हैं। और इस शिक्षा का हमें अब लाभ ये होगा कि हम काल के जो बहकाए में नहीं आवेंगे, बेशक थोड़े बहुत जकोड़े वो दे देगा, कुछ दिन हमसे दूर कर लेगा, लेकिन फिर आना पड़ेगा उसको। अब कैसी स्थिति हो जाएगी आपकी इस ज्ञान के आधार पे? बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। पुराने समय में क्या करते थे कि ये जो दिशा सूचक यंत्र थे उनको समुद्री जहाज में लगा करके लगाते थे, और उससे समुद्र में जाने के बाद दिशा का पता नहीं चलता, उस दिशा सूचक से ही वो अपनी दिशा को निर्धारित करते थे, समझते थे हम किस दिशा में जाना है, चल रहे ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो रास्ते में क्या होता है, समुद्र में कुछ चुंबकीय चट्टान होती है, उन चुंबकीय चट्टानों के कारण वो दिशा सूचक यंत्र डिस्टर्ब हो जाता था, वो ठीक काम नहीं कार्य नहीं करता था। उसके लिए उन्होंने एक और देसी जुगाड़ जोड़ रखा था कि कौवे जो होते हैं जहाज वाले, जहाज समुद्री जहाज में एक बहुत लंबा चौड़ी व्यवस्था होती है, उसमें अलग अलग कमरे से बने होते हैं, उसी में रसोई सब, क्योंकि एक एक महीना सफर में रहते हैं तो उन यात्रियों के लिए वही खाना उसी में बनाना, होटल हटल होते हैं, और वो खाना खाते हैं वहाँ टुकड़े डाल देते हैं, उस खाना खाने के लिए वो कौवे भी उस जहाज में विराजमान रहते हैं। तो जैसे जहाज जब चलता है बंदरगाह से और कौवा उसमें बैठ जाता है इस उद्देश्य से कि ये खाना खाएंगे तब मैं टुकड़ा खाऊंगा, आहार मिलेगा, रात्रि हो जाती है, शाम के समय खाना खा रहे हैं, उस लालच में बैठा चला जाता है और रात इतने जहाज काफी दूर तक चला जाता है, रात्रि हो जाती है, और रात्रि में जहाज लगभग 200-300 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच जाता है। अब जहाज का चालक जो होता है सुबह उठेगा, वो अपने दिशा सूचक से तो देख ही लेता है, उस दिशा सूचक की जांच करने के लिए ठीक काम कर रहा कि नहीं कर रहा वो कौवे का सहयोग लेता है। कौवे में परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि वो अपनी दिशा को नहीं भूलता जिससे वो चला था। यदि जहाज पर बैठे कौवे को डले से विवश कर दिया जाए वहां से उड़ने को, तो वो उसी दिशा को चलता है, उड़ता है वापस बैक चलता है जिस दिशा से वो चला था। तो जहाज का चालक सुबह उठकर उस कौवे के डले मारे उसको विवश कर देता उस जहाज से उड़ने को, दूर भगाने को, तो वो कौवा एक बार तो उड़कर चल पड़ता है कि अब तो यहां कोई ठिकाना तेरा है नहीं, डले मारे मेरा, तो वो कुछ देर दूर तक उड़ता हुआ जाता है तो उसको कहीं ठिकाना नहीं दिखता उस जहाज के अतिरिक्त, वो कहीं विश्राम कर ले, जहां तक देखे जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। तो वो कुछ दूर तो जाता है, आधा किलोमीटर किलोमीटर उड़कर, फिर वो नू समझता है कि तू डूब कर मरेगा कित, और जल में कहीं जहाज के अतिरिक्त कहीं तेरा ठिकाना नहीं जहां तू सुरक्षित रह सके, जल में तो बैठते मरेगा डूब के, इसलिए वो घूम फिर के वापस उस जहाज पर ही ठिकाना विश्राम शरण लेता है, विश्राम करता है। पुण्यात्माओं
इस तत्व ज्ञान से आपको इतना परिचित करा दिया जाएगा कि आप कोई सतलोक और आश्रम और इस दास के अतिरिक्त कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। सब डूबण के जहां भी आप जाओगे किसी भी संत या पंथ में आपको ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा कि आपको वो स्थान उस समुद्र के जल की तरह डुबोने वाला महसूस होगा कि यहां तो कति नाश हो जाएगा। तो उस पुण्यात्मा को जिसको कोई यहां से नाम लेकर गया और नाम लेकर जाने से कुछ धन हानि होगी, चोरी होगी, 2,000 की होगी, होगी 2,500 की, 4 की होगी, और सफर में कौन सा यहां 20-30-50,000 रुपये लेकर आदमी आवे, तो कहने का भाव ये कि वो हानि आपकी मनमाने 2,00,000 की होनी हो और यहां परमात्मा के चरणों माने से 2,000 की होकर 4,000 में पीछा छूट गया, तो ये शुक्र मनाना चाहिए, सत्कर मान लेना कि अगर मालिक के चरणों माने से भी आनी है या और ज्यादा होनी थी। ये तो ज्ञान का एक विशेष बेनिफिट हमें मिला है कि हम दूर ना हुए, वो भक्त नाम छोड़ कर ना गए, इस ज्ञान से ये पता चल गया कि जैसे काग जहाज काय सूर्य और निठोर, अन्यथा ये ज्ञान ना होता तो दोबारा यहां नहीं आता वो प्राणी, वो परिवार, और काल के अंदर फंस जाता और जीवन को बर्बाद कर जाता। पुण्यात्माओं, संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय भाग्य में मौत हो, सूली हो, वह कांटे में टल जा, ये परमात्मा का सच्चा विधान समझ लेना। अब आपको बताते हैं कि वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन एक विशेष उदाहरण बना है। एक बहन जींद में रहती थी, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ उनका अच्छा काम था जींद के अंदर, उनके अच्छा 3-4 गाड़ियाँ थी जो किराए पर चलाते थे, एक हौजरी की दुकान थी, एक हैचरी का कारखाना ला रखा, हैचरी है जो चूजे बनाने के, मुर्गे मुर्गा पालन का बनाते इस तरह का कोई, और अर्बन स्टेट के अंदर एक बहुत बढ़िया मकान बना रखा था। उसी अर्बन स्टेट में उस बहन के आसपास ही हमारी एक शिष्या बहन शशि जी, जो अब यहीं आश्रम में रहती है, कुर्बान है परमात्मा के ऊपर, वो उस के वो पड़ोसी थी उसकी, और वो बहन शशि पहले अपने दुख वो हेडमास्टर थी हाई स्कूल की, प्रिंसिपल समझ लो, और फिर भी तकलीफें इतनी थी, इधर उधर कोई कई संतों के पास गई, पता नहीं कितने उसने संतों के पास गई, दुख में आदमी देखो जब बीमार है कोई रोगी है तो डॉक्टर की तलाश में चल पड़ता है, और वो नकली वैद्य मिले जहाँ उसके जीवन को ख़त्म कर देते हैं, तो वो जगह जगह गई, बेचारी कोई लाभ ना मिला उसको। फिर एक हमारे उसके पड़ोस में हमारी एक और बहन हुक्मा बहन है, वो उस शशि से पहले उपदेशी थी, तो हुक्मा के घर पर हम पाठ करने गए थे। हुक्मा जैसे पड़ोस में कह ही देते हैं अपने व्यास जी हमारे पाठ होगा, हमारे गुरु जी आएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, आप सत्संग सुनना, तो शशि बहन उनके पड़ोस में आगी, उसने सत्संग सुनया तो एकदम प्रभावित होगी, कुछ समझदार थी, बुद्धिमान थी, तुरंत ज्ञान को समझ के नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद एक वर्ष के अंदर अंदर उसको काफी राहत मिली। तो पुण्यात्मा आत्मा बता देती है कि यहाँ कुछ आराम अवश्य हो रहा है। तो फिर जब वो सुखी हुई तो उसने अपनी सहेली एक श्यामा बहन थी, श्यामा दीक्षित, और वो थी दुर्गा की पुजारण कट्टर, उस बहन को शशि ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम ले लो, आप इतनी अच्छी आत्मा हो, इतनी भक्ति करते हो, अगर यदि ऐसी भक्ति आप यहां कर लोगे तो तुम्हारा कति कल्याण हो जाएगा। काफी ज्ञान समझा करके वो हमारे पास ले आई, आश्रम जींद में था एक छोटा आश्रम, पहले हमारा बस वही था, ये 1997 की बात है, 96-97 की, 1994 में ये दास नाम
दान करने लगा था मेरे मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेश से। वहां उसने कहा, शशि ने कहा बहन जी ने कि ये नाम लेना चाहती है जी। मैंने उसको समझाया बेटी बेबे बहन ये और पूजा नहीं करनी, ना कोई देवी की ना देवता की, जो वेदों और गीता में जो साधना करने को कहा वही करनी है। तो वो कहने लगी जी मैं तो दुर्गा की अपनी देवी की पूजा करती हूँ, मैं देवी ने ना छोड़ सकती, मुझे तो देवी दर्शन देती है। मैंने कहा बहन देख ले हमारा उपदेश, मैं उपदेश उस समय दूंगा आप ये टर्म एंड कंडीशन स्वीकार करोगी और साधना नहीं करोगी, केवल एक ही परमपिता की साधना करनी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि तू सर्व भाव से यानी सब और किसी प्रकार की साधना ना करके एक रस एक अनन्य भक्ति से, अनन्य का अर्थ होता किसी और की ना करे, केवल एक परमपिता परमात्मा पूर्ण बन गई तो तब मैं तुझे नाम उपदेश दूंगा, तू ये टर्म एंड कंडीशन स्वीकार करेगी सारे हमारे नियम। ने बोली जी ना जी मैं तो ना करूं, बात चली गई कोई बात नहीं। वो बता रही बहन फिर उस इस शरण में आने के बाद वो श्यामा दीक्षित ने खुद अपनी लिख कर कहानी बताई। कहने लगे जी मैं फिर क्या हुआ कि शाम के समय मैं ऐसे ही अपने घर से निकलकर जा रही थी किसी काम वश, एक कोठी में माता के का जागरण हो रहा था दिन में, और मैं वहां जाकर वहां सैकड़ों की संख्या में बहनें बैठी थी, कुछ भगत भी भाई बैठे थे, मैं पीछे से जाकर बैठी थी। मेरे तो घीसा गल गया क्योंकि मैं दुर्गा की पुजारिन, दुर्गा का ही वहां पूजा गुणगान हो रहे थे, मैं पीछे बैठ गई चुप करके। तो एक औरत में बोला माता बोल रही थी, उस माता ने आवाज लगाई कि श्यामा तो मेरे पास आ जा, तो मेरी परम भक्तनी है। और मैं पहली बार गई उनके उस जागरण में, मैं चुप बैठी रही, कोई और श्यामा होगी। तो दूसरी बार फिर उसने कहा, तीसरी बार फिर आवाज लगाई, जब एक भक्त खड़ा होकर कहने लगा भाई कौन है वो बहन श्यामा, यहां आ जा देवी पुकार रही है, श्यामा कौन है। वह श्यामा भी मैं एक लिए थी उनमें, तो मैं खड़ी होगी भी श्यामा तो मैं हूं, मैं तो आज आई हूं कि आप आज आगे आ जाओ। वो देवी ने कहा यही है यही है। वह देवी बोल रही थी उस बेबे में, अब बोल रही थी भूतनी, ठीक है ये नए देवी बन रही थी, फिर भी जो उसने वो मान रही थी वह देवी बोल रही थी सुन। तो उसके तो कहने लगी मैं आगे गई, उसने कहा कि तू मेरी सबसे अच्छी भगतनी है, तू मेरी 14 महीने अखंड जोत लगा दे, दिन रात जोत जगा दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं तो और खुश होगी, देवी का आदेश हो गया, घर में सारा ब्योंत था, सुविधा थी, धन भी था, मैंने तो उससे जनते हुआ माता की अखंड जोत शुरू कर दी, हाथ पैर नहा धो के और सुचारू रूप से उसको करती आ रही। अब उन 14 महीना में बेड़ा पार तक खड़ा होता, जो बोली मेरा बेड़ा गर्क हो गया। वो कैसे गर्क हो गया, वो तीनों तक गाड़ी बेकी, ऐसा घाटा हो गया तीनों गाड़ी बेकी, वो दुकान बेकी, वो एजरी का जो कारखाना वो था वो कारखाना वो बिक गया, और पति की नौकरी छूट गई, वो बैंक में सर्विस करता था, और एक मुकदमा बढ़ गया, वो मतलब सजा की भी तैयारी होगी। अब मैं रो रही थी, बुरा हाल था, और बहन शशि फिर आके कही मेरे तक तू नाम ले ले बेबे, बहन अब भी नाम ले ले, आजा तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं मानने को तैयार नहीं थी, देख किसी खोटे कर्म और कैसे उलझा रखा था हमारे को, अब तो रोती है वो। कहने लगी जी एक फिर रात्रि के समय मुझे माता दिखाई दी, ये शेरा वाली ऐसे ही नो किनो पूरे रूप से, और कहने लगी श्यामा तेरी आपत्ति मेरी समर्थता से बाहर थी, मैं उसको नहीं मिटा सकती थी, नहीं दूर कर सकती थी,
आप वहां चले जाओ, कबीर परमात्मा के शरण में, वो पूर्ण परमात्मा है। और इस दास का नाम लिया कि तू वहां चली जा और वहां तेरा कल्याण होगा रामपाल के पास। आपने बोली मन ने तो रात काटनी मुश्किल होगी, सपना टूट गया। सुबह उठते ही शशि के पास गई, शशि बहन जी को साथ लेकर के वो आश्रम जींद में गई। जब ये दास गांव गांव में घर घर जाकर पाठ किया करता था और आश्रम में तीसरे चौथे दिन दूसरे तीसरे दिन जाता था, जब पूरा पाठ हो जाता जैसे यहाँ 3 दिन का समागम होता है। मैंने जाना था उस दिन, शशि बहन को पता था कि आज गुरुजी आएंगे, उस दिन मैं नहीं जा सका। 3 दिन बाद गया तो 3 दिन कंटिन्यूस गई वो उस आश्रम में उपदेश लेने के लिए, अन्ना तो नखरे करे थी। जब उसने कहा कि शशि बहन जी ने कहा कि ये श्यामा बहन जी उपदेश लेना चाहती है, मैंने उसे कहा बहन आज वो टर्म एंड कंडीशन आज भी ज्यों की त्यों है, वो तुझे स्वीकार हो तो नाम मिलेगा, ना नाम नहीं दूंगा। वो कहने लगे जी मुझे सारी टर्म एंड कंडीशन सारे आपकी जो नियम कहोगे वो मान्य हैं, मैं पालन करूंगी। फिर उसने रो रो के अपनी कथा सुनाई कि मेरा कति नाश हो गया, ये ऐसे ऐसे 14 महीने मैंने जोत लगान की गई थी उस देवी ने, मेरा कति नाश हो गया। फिर मैं कहा आज कैसे आएगी तू? वो कहने लगी कि देवी ने कही मुझे रात को स्वप्न में, ना तब भी नहीं आती। अब परमात्मा क्या बताते हैं, इन गुरुआं गांव बिगाड़े संतो, गुरुआं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कर ला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े, सर्वनाश हो गया। और फिर भी नहीं हो गया, देवी की पूजा में छोड़ दो कोई ना। पुणात्मा पवित्र चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में कीते देवी की पूजा का जिक्र भी नहीं है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा को गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में और 20 से लेकर 23 में, अध्याय 9 के मंत्र श्लोक 25 में कम बिल्कुल मना किया है कि ये पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल मेरी अर्थात ब्रह्म की साधना ओम नाम से करो। और फिर कहते मेरी साधना भी ठीक नहीं, उस पूर्ण परमात्मा की साधना किसी परम संत जो तत्वदर्शी हो उससे लेकर के आप जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हो सकते हो। तो फिर उस बहन को 1 वर्ष के अंदर काफी राहत मिली है, पति के ऊपर जो मुकदमा था वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया, उसको पुनर्नौकरी मिल गई, एक लड़के की नौकरी लग गई, वो जो मकान था वो भी गिरवी हो गया था जिसमें वो रहा करते थे, वो बैंक के लोन से गिरवी था, कुड़की की तैयारी थी, कुछ रजा हुई परमात्मा की ऐसी ढीठ डाल सी होती चली गई और वो कुड़की होने तो बच गया। और फिर वो पूरा परिवार के गुण गावे परमात्मा की। मैंने उस श्यामा से कहा बहन एक बात बता, यदि तू उस दिन ये नाम ले लेती जिस दिन पहली बार बहन शशि तुझे लेकर आई थी और तुझे 30 लाख का टोटा हो गया, घाटा 30 लाख का हो गया, यदि ये नुकसान तुझे 30,000 में टल जाता तो नाम त्याग देती। नो कहती कि आज नाम लेकर आई थी, ईसा नाम लिया हमारा 30,000 का नुकसान खड़ा हो गया, तुझे होना था 30 लाख का, और जय वो हो जाता 30,000 का नाम लेने के हफ्ते 10 दिन के भीतर, ये तो होना तो था ये तरीके ला, ये बिजली गिरनी थी तो गिर चुकी, शुक्र है नाम ना लिया तूने, तो तू नाम ले लेती, सपने में भी इधर झांक कर नहीं देखती परमात्मा की तरफ। और हालांकि भगवान ने तेरी इतनी आपत्ति टाल दी होती तुझे पता भी नहीं होता, तो वो कहती है जी सचमुच यह सच्ची बात है, यदि नाम लेने के बाद मुझे 30 मंथ भी तक नुकसान देखा ही नहीं था, और अगर 30,000 का नुकसान हो जाता तो मैंने सोचू देवी रुष्ट होगी और यो नाम ईसा ले लिया, उस दिन त्याग दूं आपकी तरफ देखूं भी नहीं। और अब वो कहती है वो आपत्ति हमारे परिवार के लिए वरदान होगी क्योंकि हमें भगवान मिल गया, वो आपत्ति ना आती, वो नाश ना होता तो मैं उस काल के पाड़े ने छोड़ती नहीं। आज परमात्मा ने उसके उससे अधिक ठाठ कर दिए, सारी मौज कर रखी है,
अब वो बल्कि कहीं और जा करके अच्छे स्थान पर स्थित होगी है। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर्म मान लेना। अब जो मैं कहाँ से आपको शुरुआत की थी कि जैसे ही वो बच्चे बता रहे थे कि हम 2000-4000 का नुकसान हो गया होगा, टांग का चोट लगी होगी, तो वो ज्ञान आधार से बच गए, नहीं तो काल ले गया था खींच के, उन्होंने काल ने तो डला मार दिया था, उड़ा दिए थे जहाज से, लेकिन इस ज्ञान के आधार से कहीं और दिखाई नहीं देता कि कहाँ बैठूं तो मरूंगा जाते ही। तो विद्वान समझदार बच्चे थे, वापस फिर आगे पुनरुपदेश लिया, मैं बेटा इतनी सोच तेरे में जरूर आई है, क्या का नाम है के फायदा हुआ तो भी नाम टूट गया, और पुनरुपदेश ले विश्वास के साथ दृढ़ता से लग जा, ना जाने के बिजली गिरनी थी, जान जानी और टांग का चोट लाग कर बच की शुक्र मनाना। तो ये ज्ञान से भी हम परमात्मा के चरणों में रह सकेंगे, अन्यथा काल तो 24 घंटे दाव लगाए बैठा है, किस प्रकार इसने भगवान से दूर करूं। तो पुण्यात्मा मुश्किल से रास्ता मिला है, इसे दूर नहीं होना, इस ऑपरेशन थिएटर ते बार मत जाना, जाते मरोगे। मरने का तात्पर्य यह है कि फिर और तक ही तो है ही नहीं इलाज। यू जैसे कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं, ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से नीचे हो ही नहीं सकते, और उसने त्याग कर कि तो कहीं और बैठा जाकर किसी डॉक्टर के ठीक और लालच में उसने इंजेक्शन लाए जाएगा तो अपने पैसे ऐंठ लेगा, लेकिन आखिर में मृत्यु को प्राप्त होगा, विनाश को प्राप्त होगा। तो इस स्थान को त्याग कर आप कहीं भी जाओगे आपका कल्याण नहीं हो सकता, हानि ही हानि है। ठीक है, जब तक हमारे पर हमारे साथ इस जैसे मान लिया आपने 4 वर्ष यहाँ साधना कर ली, ठीक ठाक लगे रे श्रद्धा से, और किसी कारण से आप यहाँ से दूर हो गए, क्योंकि काल के कई जाल हैं, कई तरीके हैं आपको यहाँ से दूर भगाने के, मान बढ़ाई में हैं, कोई और दोष देख लेगा किसी भगत भगतनी में हैं, उड़ा तो न्यू उसे, तो आप अपने दोष को ना देखकर, यानी किसी भी कारण से वो दूर हो गया, छोड़ गया इस मार्ग से को, तो उसको क्या होगा कि 4 साल की हुई साधना या कोई कम साधना नहीं है। परमात्मा ने सतनाम के जाप की कीमत बताई है, जो आपको श्वास उस श्वास से जो नाम दिया जाता है, सतनाम ये 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम मंत्र है, एक ये तत् है, ये तत् मंत्र गुप्त है, कोड वर्ड है, जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका वो पुरानी वो पुण्यात्मा समझ रहे हैं, जिनको केवल प्रथम मंत्र ही मिला है उसके अंदर भी बहुत लाभ होता है, इस प्रथम मंत्र की भी बहुत ज्यादा कमाई होती है, उसके 4 महीने के बाद फिर आपको ये सतनाम दिया जाता है। तो सतनाम की जो कीमत है ये कितनी है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक तराजू होती थी ऐसे पकड़ के तोलिया कर, गाँव में मतलब भी होगी वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाल पड़ी, लेकिन दुकानों में आपने देखी होगी कांटे है गटांग दें उसका 2 पलड़े होते, तराजू यानी बैलेंस हिंदी में और तुला अंग्रेजी में, तो उस तराजू के 2 पलड़े होते हैं ऐसे रस्सी से बंधे हुए, डंडी से बंधे होते हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं, पासंग, पासंग क्या होती थी, पासंग समझो, क्योंकि परमात्मा की वाणी को समझने के लिए हमें, क्यों ये परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया सिंपल लैंग्वेज में दिया जो साधारण आदमी समझ सके, तो उसके लिए आप बच्चे जो हैं अब उन पुराने जो टोटकिया ने कम जाना है, ये दास ऐसे समय जन्म हुआ दास का 1951 में, कि उस समय ये अपने सारे जो देसी नाम थे हमारा याद हैं, और ये परमात्मा की वाणी भी अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा लिखी हुई है, तो उस इसलिए दास को ऐसे समय पर जन्म दिया कि वो भी हमारा याद है, और ये अब की शिक्षा भी हमने ग्रहण कर ली, दोनों मिली हुई, दोनों से ये ज्ञान सुलझता है। तो पासंग किसे कहते हैं, उस तराजू के अंदर पहले पुराने समय में एक तराजू आया करती ताखड़ी, उसमें एरर होती थी,
उसने पाशंग कहा करते हैं, और उस एरर को ठीक करने के लिए वो जो सामान तोलना होता, जैसे कोई कणक तोल रहा है, गेहूं तोल रहा है, तो गेहूं ही उठाकर एक मुट्ठी उस तराजू के उस पलड़े में रखते थे जो ऊपर न उठ रहा होता था, जो एरर थी जिसमें, उन दोनों को एकसार करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए वो थोड़ा सा गेहूं उठाकर दूसरी तरफ रख देते। वो यूजलेस था, उसका सौदा नहीं होता था, उसकी तो गिनती नहीं होती थी उस सौदे में, और उसी तरफ बाट रख देते थे बट्टे, किलोग्राम दड़ी जो भी हो, 5 किलो, और फिर दूसरे पलड़े से वो सौदा तोल्या करते थे गेहूं। तो कहने का भाव ये है कि तीन लोक, ये पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक और नीचे एक पाताल लोक, इन तीन लोकों की तक गिनती नहीं। सुनाम के सामने जो कीमत एक श्वास की जो आपको की वैल्यू मिलेगी, ये तो न्यू है, वो पासिंग की तरह, जैसे गेहूं उठा के एक मुट्ठी एक तरफ ने गेर दिए तराजू में, वो तो उनका तो गिनती है नहीं है। और 14 लोक चढ़ावा राम रंग हो रही हो, वो 14 लोक भी एक पालड़े में दर दे इस एक ब्रह्मांड में, ये 3 लोक और 14 लोक ये ही साजबाज है। कहने का भाव यह है कि सतनाम पालड़े रंग हो रही हो, सतनाम का एक एक श्वास उश्वास, जैसे श्वास उश्वास, ये सतनाम श्वास उश्वास से सिमरण होता है, ये 2 मंत्र का है। और सतनाम का एक सिमरण श्वास उश्वास से पूरा हो गया, एक बार श्वास बाहर छोड़ा उस मंत्र सहित, दूसरे मंत्र सहित अंदर लिया, तो वो एक सिमरण हो गया सतनाम का। उस एक सिमरण की कीमत कितनी बताई, एक स्मरण की कीमत कितनी है एक मंत्र के की, कि 3 लोक पाचंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओहो, सतनाम एक तरफ और उसी तरफ वो 3 लोक गेर दे ठाके व्यर्थ, और 14 लोक चढ़ावे दूसरे पालड़े में, तो भी वो सतनाम वाली कीमत ज्यादा है, वो पालड़ा ऊपर न उठ जाएगा, तो 14 लोक वाला ऊंचे उठ जाएगा और परमात्मा वाला नीचे, उस नाम वाला नीचे रहेगा, अर्थात वो अधिक कीमती है। तो उस जिस व्यक्ति ने, बहन भाई ने 2 वर्ष 4 वर्ष ये नाम लेकर त्याग दिया, हमारे अंदर दोष देख लिया, या किसी भी सरकमस्टांस से वो चला गया, तो अब उसको अब क्या होता है कि पिछले पुण्य पापों को परमात्मा समाप्त कर देता है और इन पुण्यों का ढेर बन जाता है जो आप सत्साधना कर रहे हो। अब क्या होगा, वो नाम भी छोड़ गया और गुटी सूटी भी लाने लग गया और बकवाद भी करने लग गया, वही उसी स्थान पर पहुंच गया जो पहले कर्म करता था, और फिर भी सुखी है, यहां आता था जब तक रोया करता क्योंकि वो पुण्य रहित था, यहां पुण्य उसको काफी मिल गए। अब क्या हो गया कि उसके पाप फिर शुरू हो गए बढ़ने, एक दिन में इतने पाप हो जाए आपके ऊपर, मालगाड़ी में नहीं चल आपसे जब यहां से जाओगे, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, ओए होए। और जब हम सत भक्ति करते हैं, परमात्मा के चरणों में आते हैं, तो हम डेली वो सत साधना कर रहे हैं, उस साधना से जैसे हम डेली कपड़ा पहनते, प्रतिदिन यू मैला होता है तो रोज साबुन ला कर धो देते हैं, वो निर्मल रहता है, और साबुन छोड़ दिया, कपड़ा पहरे अंडे हैं, कपड़ा ठीक घूमे रहो, पी का शराब पड़ा रहे वो कितना गंदा हो जा, वो तो कति दिखाई भी ना देगा, एक समय ऐसा हो जाएगा किस रंग का इतना गंदा मैला कपड़ा बन जाता है। आपने मिस्त्रियों के कपड़े देखे होंगे, उनके कलर का भी कोई नहीं पता, इतने काले हो जाए। तो हम आज इतने कर्म पाप करके अपने अंतःकरण रूपी कपड़े को इतना मैला बना चुके हैं, और अब ये साबुन परमात्मा का सत्संग रूपी साबुन, यो ड्राई क्लीन, कभी पानी में झटके मोगरे मार मार के, नहीं सब शब्द रूपी आपके ऊपर चोट मार मार के, ये वचनों के अब यो मैल छुड़ाया जा रहा है आपका, सिमरण करवा के। तो वो प्राणी ये सोचा है कि मन के फायदा हुआ, वहां पर मौजूरी है अपने घूटी छूटी ला और बकवाद कर, चल ना भी बुराई करता और सिमरण कर रहा है उससे मंत्रों के, उन्हीं मंत्रों का जो हमसे प्राप्त है वो सुमरण कर रहा है, उसका कोई लाभ नहीं।
क्योंकि वो डिस्कनेक्ट होगी उसकी, उसका नाम कट गया। अब पावर इस दास के हाथ में दे रखी भगवान ने, ये कनेक्शन इस दास के हाथ में। जैसे आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया, पूरी फिटिंग करा ली, सारा काम कर लिया ठीक से, आप अपना सारा काम कर रहे हो और किसी भी कारण से, किसी भी आपका डिफॉल्टर हो जाने से कनेक्शन कट गया, और आपने सोचो कटा रहेगा मैं तो न्यू बटन दाबता रहूँगा और काम चलेगा, रोज बटन दाब रहा है दाबता रहे। अब उन बटनों के ऑन करने से, उन स्विच के ऑन करने से लाइट नहीं आ सकती। अब वो नाम त्याग कैसे, कितना बुद्धिमान बना रहा है, कितना अपने आप में चतुर बना रहा है, वो उसने अपना कर्म बिगाड़ लिया, जीवन फोड़ लिया कति। सतगुर संगत छोड़ के लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। सतगुर की संगत छोड़ के, पूर्ण संत को त्याग कर चाहे लाख वर्ष जाप करते रहना, आप काल से बाहर नहीं हो सकते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति आप चाहे थोड़ी भी कर पाओगे तो भी पार होगे, यदि मर्यादा में रहोगे। कहते हैं परमेश्वर जी, कहते हैं अपने आप महिमा बताते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे, सौ काल झकझोले ही पर द्वार छोड़ ना जावे। आखिरी सांस तक परमात्मा के चरणों में रहे, मर्यादा में रहे, चाहे काल कितने झटके दे, द्वार छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यानी दूर नहीं होना चाहिए, तभी वो प्राणी अपना मोक्ष करा सकेगा। अपुण आत्माओं, प्रसंग चल रहा है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़री खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठो जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बांग ही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु बैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया नहीं तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया नहीं तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी
गैस गैस अंग लगावे सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे।